हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो आपका ट्रायंगल है। और इसमें से आपके 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड हैं। तो इस वीडियो में हम हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, चाहे वो किसी मार्क्स में आते हो। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए आप पर्टिकुलर इस चैप्टर में से अगर आप रिविज़न कर रहे हो तो इन सारी वीडियोज़ को आपको ज़रूर देखना चाहिए। सारे चैप्टर्स के वीडियो जो है अपलोड हो चुके हैं, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आपको सॉल्व करके डेफिनेटली देखना है। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC D इज पैरेलल टू BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। एक तो आपका ट्राइंगल है जिसमें इन्होंने क्या कहा कि D आपका है, क्या है, BC के पैरेलल है। तो जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो इसका, और यहाँ पर आपने लास्ट टाइम पे भी 9th क्लास में पढ़ा था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वहाँ पर हमने अप्लाई करते थे, तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पर अप्लाई करके इस X की वैल्यू को निकालेंगे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके इस न्यू पैटर्न के हिसाब से 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपका ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है जो इनका रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, इनका जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि AD/BD दैट वुड बी इक्वल टू AE/EC। सिंपली आपको वैल्यू रखना है और उसके बाद सॉल्व करके आपका यहाँ पर जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C। एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल किस पे, C पे। इट पीस द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB एंड ABC आर दी लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, देन यू हैव टू प्रूव दिस। अब ये बताइए, जो ये वीडियो है ना, आप इसमें स्टैंडर्ड और बेसिक को लेकर बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें कुछ क्वेश्चंस तो आपके बेसिक के लिए, जैसे ये क्वेश्चन बेसिक में पूछ सकते हैं, स्टैंडर्ड में भी। बट अगर बात करें स्पेशली इस क्वेश्चन की, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके स्टैंडर्ड में ही एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए बेसिक वाले स्टूडेंट ऑफकोर्स इसे स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास इन्होंने कहा था कि ट्राइंगल ABC है, जहाँ पर क्या है कि सी परपेंडिकुलर वहाँ पर बताया उन्होंने कि सी वहाँ पर राइट एंगल है। उसके बाद हमने क्या करा, एक और राइट एंगल बनाया और साथ में एंगल ए के अपोजिट साइड में जो साइड है वो ए है, उस तरीके से ए और बी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम कौन से दो ट्राइंगल यहाँ पर उठा रहे, ACB, ठीक है ना। आप सबसे पहले उठा रहे हो ACB और उसके बाद CDB, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने सबसे पहले ट्राइंगल ये वाला उठाया है ACB वाला, जो आपका पूरा ABC है, ठीक है ना। मतलब बड़े ट्राइंगल के साथ एक छोटा सा ट्राइंगल अभी यहाँ पर हम उठाएंगे, एक आपका ये CDB वाला, दोनों को उठाकर और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिमिलैरिटी को हमें प्रूव कर देना है। अब दोनों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC और CDB दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, और साथ में एंगल बी जो है आपका दोनों में कॉमन है। तो इस वजह से एंगल से क्या हुआ, यहाँ पर सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई। इससे हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल CDB, और जिसकी वजह से सिमिलैरिटी थ्योरम की हम वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि उनके बीच का जो साइड्स के रेशो होंगे वो अभी आप कैसे होंगे, उनका इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा कि B/P = C/A, उसके बाद हमने क्या किया, अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सेट करते हुए आगे गए हैं, और उसके बाद पर्टिकुलर क्या होता है, आपकी जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होकर आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्राइंगल ABC एंड PQR एंड AD एंड PS आर द बाइसेक्टर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स A and P, देन यू हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR दैट वुड बी इक्वल टू AD² / PS². तो ये आपका बेसिकली थ्योरम का क्वेश्चन है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में ही थ्योरम के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने आपके पास कहा कि आपके पास दो ट्राइंगल है जिसमें AD और PS क्या है, उसका बाइसेक्टर है एंगल A और एंगल P का, और तब आपको प्रूव करना है कि जो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इस पर्टिकुलर जो हमने ये लाइन एक्स्ट्रा खींची है AD और PS, तो इसके स्क्वायर का, मतलब कि दोनों का, मतलब जो रेशियो होगा वो कैसा होने वाला है, इक्वल होने वाला है। इस चीज़ को लेकर हमें यहाँ पर प्रूव करना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी बात, ज्योमेट्री में आप मार्क्स इजीली ले सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री में जो चीज़ें होती है ना, थोड़ा सा जैसे आपने ड्रॉ वगैरह किया तो हर चीज़ के हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है, उसके बाद क्वेश्चंस में आगे बढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ट्राइंगल ABC और PQR, क्योंकि इन्होंने हमें खुद कहा था कि वो सिमिलर है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। इट मीन्स कि जो आपका ट्राइंगल ABC और PQR का जो एरिया होगा वो AB² / PQ² के क्या कैसा होगा, आपका मतलब कि दोनों का जो रेशियो है वो सेम होने वाला है। अब हमें ये पता है कि एंगल ए आपका क्या है, एंगल पी के बराबर है, और हाफ ऑफ एंगल ए और हाफ ऑफ हमने क्या कर दिया, एंगल पी, तो वो क्या बच गया, BAD और QPS। आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, दोनों हमने एक साइड को ही लिया है। अब यहाँ पर
ये चीज़ें पता चल गई। उसके बाद एंगल एंगल सिमिलैरिटी थ्योरम से हमें ये भी बात क्लियर होकर आ जाती है कि ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं तो इनका रेशियो कैसा होगा, इक्वल होने वाला है। और उसके बाद फर्स्ट और इक्वेशन को अगर आपने देखते हो तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर का जो रेशियो था वो ए बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यू स्क्वायर के बराबर है। और सेकेंड कंडीशन में हमने किस चीज़ को प्रूव कर दिया कि बी ए अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू ए डी पी एस के बराबर है। इट मीन्स कि हम ए बी अपॉन में पी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं ए डी और पी एस से। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है प्रूफ होकर आ जाती है। इसमें ज्योमेट्री में कुछ स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आपको थोड़ा सा राइट डाउन करना पड़ेगा, बार बार चीज़ें जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी सच दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट ए। ये भी आपका थ्योरम का क्वेश्चन है, अपोजिट टू पाइथागोरस। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने ए बी सी बना दिया, जिसमें ए डी जो है परपेंडिकुलर बी सी पर है। उसके बाद हम जो चीज़ों को प्रूफ यहाँ पर करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि ए डी का स्क्वायर जो है वो आपका बी डी इंटू सी डी के इक्वल है। तो उसको हमने अपने अकॉर्डिंग एक ए डी को यहाँ पर रखा और एक ए डी को इस साइड भेज दिया, ताकि उनके बीच में जो है एक अच्छा सा प्रोपोर्शन बन सके। क्यों? क्योंकि एंगल डी जो आपका था 90 डिग्री था, तो साइड एंगल साइड से हमें ये पता चल जाएगा कि आपका ये जो ए डी सी और बी डी ए है, ए डी सी और बी डी ए कैसे हैं, आपके सिमिलर ट्राइंगल है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपका बी ए डी और जो ए सी डी है वो आपका इक्वल होगा। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके जो ट्राइंगल्स, ऑफकोर्स जो उनके एंगल्स होंगे वो भी कैसा हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद हमने फर्दर क्या किया, देखिए डी ए सी आपके पास, ये जो डी ए सी का ट्राइंगल है उसको हमने दो पार्ट में बाइफरकेट किया, और उसके बाद जो आपका ये डी बी ए है उसको भी हमने बाइफरकेट किया, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर निकल कर आती हैं, और फाइनली एंगल ए इज इक्वल टू आपका 90 यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके बुक में भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन है, बट एक बार आप थोड़ा सा देख लोगे ईजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हेन ईच ऑफ द साइड इज ए सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका आपको एल्टीट्यूड निकालना है, जबकि उन्होंने कहा कि साइड्स कैसे हैं, ए सेंटीमीटर ऑफ कोर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपके तीनों साइड्स इक्वल होने वाले हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने डायग्राम बना देना है, और उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर हमें निकालना है क्या, हाइट निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो तीनों को हमने कर दिया, इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, बाइसेक्ट कर दिया है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, बी सी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका बी डी और दूसरा सी डी। तो अगर टोटल ए है और हमने क्या करा है, अच्छी तरीके से बाइसेक्ट करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड यहाँ पर हो जाएंगे। अब हम लेते हैं ट्रायंगल इस साइड, आपका लेफ्ट वाला 90 डिग्री का जो आपका एंगल यहाँ पर दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों इसमें हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का निकल लगा कर आप यहाँ पर पहुँच जाओगे कि जो हाइट निकलता है कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या होता है, रूट थ्री अपॉन में टू इनटू में साइड। तो इस फॉर्मूले का भी यूज़ कभी कभी आपको करना पड़ सकता है, और आपको इस तरीके से प्रूफ करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 3 टाइम्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ये भी काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बात करें स्टैंडर्ड लेवल वालों के लिए। तो यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल खींचना है, और ट्राइंगल से आपको इन्होंने क्या कहा था कि आपको सबके मीडियंस भी दिखाने, क्योंकि हमें साइड और मीडियन से मतलब है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल ए बी सी बनाया, जिसमें ए डी बी और सी एफ यहाँ पर मीडियंस हमने बना दिए हैं। और उसके बाद देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन रूल है ना, मेन जो चीज़ है आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप जब तक ये नहीं लिखोगे ना, तब तक इस क्वेश्चन का कोई मीन नहीं बन जाता। इन ट्राइंगल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग इट। तो ये आपका जो चीज़ है ना, ये आपका थ्योरम है, इसको भी आपको लर्न करना है। और जहाँ अगर एग्जाम में आपके पास ये क्वेश्चन आता है, देन यू हैव टू राइट दिस लाइन, उसके बाद ही जो चीज़ें, क्योंकि मेन जो यही चीज़ है, उसके बाद तो इस क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है। उसके बाद फर्दर हमने क्या करना है, हमने ए डी को जब मीडियन माना, एक बार आप ए डी को मानेंगे, एक बार बी को मानेंगे, एक बार सी एफ को मानेंगे। तो जब आप ए डी को मानोगे तो आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन निकल कर आएगा, बी को मानोगे सेकेंड थर्ड इक्वेशन यहाँ पर निकल कर आएंगे, और तीनों इक्वेशंस को ऐड करने पर आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर बी एल एंड सी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, देन यू हैव टू प्रूव दैट
दिस। ओके, आपके पास यहाँ पर एक फिगर गिवन है जिसमें बीएल और सीएम जो है ट्रायंगल एबीसी के मीडियन है, जिसमें एंगल जो ये है वो आपका राइट एंगल पे है, और ये ऐसी कंडीशंस जो आपको प्रूफ करवाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन भी आपके स्टैंडर्ड में ही पूछे जाएंगे, बेसिक में जहाँ तक ट्रायंगल में से आपके काफ़ी कम ही क्वेश्चन पूछेंगे और काफ़ी नॉर्मल आपका ईजी लेवल पूछेंगे, तो सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको थ्योरम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ था एबीएल के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे पहले आप एबीएल अगर ट्रायंगल को देखोगे, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ए बी एल, तो आपका क्या होगा, एल का स्क्वायर और प्लस में ए बी का स्क्वायर, वो आपका बी एल के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ही ये क्वेश्चंस भी आपके होंगे। उसके बाद एल को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन में टू। इस तरीके से कंडीशंस आप दो बार निकाल रहे हो, ट्राइंगल ए बी एल का, फिर उसके बाद ट्राइंगल ए सी एम का, और उसके बाद दोनों को क्या करना है, हमें सिंपली सेट करना है, और ये क्वेश्चंस भी आपके प्रूफ हो जाएंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को ना आपको कॉपी में भी करके देखना है, तभी जो है ना आप अच्छी तरीके से इसमें कमांड कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगनल। आपको ये प्रूफ करना है ये कि जो भी आपका रोम्बस होता है उसके अगर स्क्वायर्स के, उसके जो साइड्स के स्क्वायर का सम होता है वो क्या होता है आपके, उसके डायगनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इस चीज़ को प्रूव करना, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो साल छोड़कर ये क्वेश्चंस डालते रहते हैं, और काफ़ी इजी भी है, तो आप इसे इजीली कर सकते हो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस जो है उसके जो डायगनल है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब आपका जो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये वाई होगा, और साथ में ये क्या करें 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिल जाता है कि हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, और इस क्वेश्चन में भी आपका यही हुआ है कि हमने पाइथागोरस थ्योरम को फुल्ली अप्लाई किया है, और बाकी जो चीज़ इक्वल है उस चीज़ को यूज़ करके आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर निकल कर आ जाता है। बाकी आप देख सकते हो, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। वैसे भी आपकी रिवीजन वीडियो है, तो आई होप कि आपको ये सारा ऑलरेडी पहले से पता होगा, बट ये है कि एक बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप गलती से आपको नहीं आता है तो आप एक बार करके देख लोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।